नमस्कार, उत्तर प्रदेश की खबरों के मेगा बुलेटिन अपना उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ काव्य चौहान। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे अपर्णा यादव के बीजेपी में जाने पर अखिलेश यादव का बयान आ गया है। उन्होंने कहा कि अपर्णा यादव को नेताजी ने काफी समझाया था लेकिन वह नहीं माने। उन्होंने अपर्णा को बीजेपी में जाने पर बधाई भी दी है। तो क्या अखिलेश यादव विधानसभा चुनाव लड़ेंगे? इस सवाल पर भी वह बोले कि मैं आजमगढ़ की जनता से अनुमति ही लेकर चुनाव लड़ूंगा। ऐसा इसलिए क्योंकि वहां के लोगों ने हमें जिताया था। बता दें कि अखिलेश आजमगढ़ से सांसद हैं। बुधवार को ही उनके विधानसभा चुनाव लड़ने की चर्चा सामने आई थी। सुनिए आगे क्या कुछ कहा। मैं आजमगढ़ की जनता से अनुमति लेकर के ही चुनाव लड़ूंगा, अगर चुनाव लड़ता हूं तो। नहीं, आजमगढ़ की जनता से अनुमति इसलिए लेनी पड़ेगी, वहां के लोगों ने मुझे जिताया है। सबसे पहले तो मैं बधाई दूंगा और शुभकामनाएं, और साथ ही साथ हमें खुशी इस बात की है कि समाजवादी विचारधारा का विस्तार हो रहा है। समाजवादी विचारधारा का विस्तार जो हो रहा है, मुझे उम्मीद है कि हमारी विचारधारा वहां भी पहुंच करके और संविधान और लोकतंत्र को बचाने का काम होगा। नेताजी ने बहुत कोशिश की समझाने की, नेताजी ने बहुत कोशिश की समझाने की। टिकट अभी पूरे नहीं बटे हैं और टिकट किसको मिलना है किसको नहीं मिलेगा ये क्षेत्र और जनता पर निर्भर करता है और हमारी इंटरनल सर्वे रिपोर्ट पर भी निर्भर करता है। देखिए, मैं समाजवादी पार्टी में, और आपको जानकर के खुशी होगी और आप इस बात को जानते हैं, मैं खुद मिलिट्री स्कूल में पढ़ा हूं, धौलपुर मिलिट्री स्कूल। और कभी कंफ्यूज मत होना मिलिट्री स्कूल और सैन्य स्कूल में। जो मिलिट्री स्कूल हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट से चलते हैं, सैन्य स्कूल हैं वो स्टेट गवर्नमेंट चलाती है, जिसमें फंड सेंटर से भी मिलते हैं। मिलिट्री स्कूल में बचपन से लेकर के मैंने 7 साल गुजारे हैं। आज भी पूरे देश की सीमा उठा करके देख लीजिए, कहीं ना कहीं मिलिट्री स्कूल का पढ़ा हुआ ऑफिसर वहां पर लगा खड़ा मिलेगा आपको। हमारे साथ के वो लोग हैं जो सीमा पर आज भी खड़े हैं, और कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने हमें कमांड किया। जब स्कूल में थे हम तो हम लोगों को कमांड करते थे, वो हमारे स्कूल कैप्टन हुआ करते थे। वो प्रेसिडेंट के एडीसी रहे हैं और 2 बार रहे एडीसी प्रेसिडेंट के नारायणन जी जो थे उनके एडीसी 2 बार रहे वो। और दुर्भाग्य है कि जब राष्ट्रपति भवन से वो हटे, वो इतने अच्छे अधिकारी थे कि उन्होंने मुकाबला किया आतंकवादियों को, वो शहीद हुए। जब मैं मिलिट्री स्कूल गया तो उनकी याद में वहां चीजें रखी गई और आज वहां पर उनके याद में प्रतिमा लगी है धौलपुर मिलिट्री स्कूल में। समाजवादी पार्टी अपने लिए नहीं कह रही थी, कई छोटे और क्षेत्रीय दल है जिनके पास इसकी तैयारी नहीं थी। और भारतीय जनता पार्टी, हम तो सवाल ये पूछे कि भारतीय जनता पार्टी को कैसे पता था कि तैयारी पहले ही कर ली उन्होंने। हर मिनिस्टर के यहां, हर उनके जिले में, हर पदाधिकारी के यहां पहले से ही स्टूडियो कैसे बन गए, डिजिटली सब अधिकारी कंपनियां कैसे आ गईं। सवाल यह है कि चुनाव आयोग को यह सोचना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी को कैसे पता है कि आने वाले समय में कई हफ्तों इसी तरीके से डिजिटल प्लेटफॉर्म से प्रचार होगा। उन्होंने अपना कैसे वाईफाई लेनी है, कैसे इंटरनेट कनेक्शन लेना है, कितने उनको मशीन चाहिए, क्या क्या इक्विपमेंट चाहिए, कैसा रूम होना चाहिए, कैसे टेलीप्रॉम्प्टर होना चाहिए, बंद ना हो, ऐसा हो, तो ये तैयारी अच्छी कंपनी की हो, प्रोजेक्शन हो, ये तैयारी पहले से कैसे उन्हें पता थी। दूसरे दलों को तो तब पता लगा जब चुनाव आयोग ने तय किया। इस भारतीय जनता पार्टी को कैसे पता था कि इनके मंत्रियों के यहां, इनके संगठन के लोगों के यहां, इनके प्रचार करने वाले लोगों के यहां पहले से ही चीजों का बनना, इसका मतलब यह था कि सरकार को पता था, भारतीय जनता पार्टी को पता था कि आने वाले समय में चुनाव इसी तरह होने जा रहा है। हम समाजवादी पार्टी के लिए नहीं कह रहे, आप मुझे बताइए पत्रकार साथी जिससे कनेक्ट करना हो यूपी में, कहीं भी इंटरनेशनली, इस कमरे में बैठकर के हम और आप कनेक्ट हो सकते।
उत्तर प्रदेश में चुनाव की तारीखें नजदीक आती जा रही हैं। यहां का चुनाव बेहद खास, बेहद दिलचस्प, बेहद रोमांचक भी होता जा रहा है। आरोप प्रत्यारोप, प्रचार के तौर तरीके बहुत बदल जाते हैं। इसी बीच बीजेपी सांसद और फिल्म अभिनेता रवि किशन का वीडियो भी जमकर वायरल हो रहा है, जिसे उन्होंने नाम दिया है यूपी में सब्बा। इस वीडियो में रवि किशन जो है योगी सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं लोकप्रिय गायिका नेहा सिंह ने सरकार पर सवाल करते हुए अपने गाने में कहा कि यूपी में कावा के जरिए सरकार को घेरने की कोशिश की है। अरे बाबा के दरबार बा, खत्म रोजगार बा, हाथ रस के निर्णय जो हत लड़की के परिवार बा। अरे का बा यूपी में का बा, कोरोना से लाखन मर गईले, लासन से गंगा भर गईले। कोरोना से लाखन मर गईले, लासन से गंगा भर गईले, टिकठी या कफन नोचत कुकुर बिलार बा। लखनऊ में समाजवादी पार्टी और आरएलडी गठबंधन ने दो और सीटों पर प्रत्याशी घोषित किए हैं। बता दें कि अब तक सपा और आरएलडी गठबंधन के अब तक 40 सीटों पर प्रत्याशी घोषित हो चुके हैं, जिसमें मुजफ्फरनगर से सौरभ और छपरौली से अजय कुमार सपा आरएलडी गठबंधन प्रत्याशी बनाए गए। इसके साथ ही सपा और आरएलडी गठबंधन के 40 प्रत्याशियों में 30 आरएलडी और 10 समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं। दर्शकों, बीजेपी नेता और हास्य कलाकार राजू श्रीवास्तव का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए कहा कि बीजेपी में ही बहू बेटियां सेफ हैं। इसलिए मुलायम सिंह की बहू बीजेपी में आ गई। उन्होंने कहा कि 100 बात की सीधी बात है कि बीजेपी में बहू बेटियां सेफ हैं और सुरक्षित हैं। इसलिए मुलायम सिंह की बहू अपर्णा यादव भारतीय जनता पार्टी में आ गई। इसे कहते हैं समझदारी। यार 100 की सीधी बात है, बीजेपी में ही बहु बेटियां सेफ हैं, बीजेपी में बहु बेटियां सुरक्षित हैं, इसीलिए मुलायम सिंह की बहू अपर्णा यादव भी बीजेपी में आ गई। इसे कहते हैं समझदारी। आगरा में 200 किलो चांदी की लूट का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कोरियर कर्मी और मैनेजर से ही लूट हुई है। बाइक सवार बदमाशों ने इस वारदात को अंजाम दिया। इससे पहले सराफा कारोबारी से लूट की बात भी सामने आई थी। एडीजी राजीव कृष्णा ने इसकी जानकारी दी है। सदर थाना क्षेत्र के रोहता का ये पूरा मामला है। अभी तक की प्रारंभिक जानकारी में बात सामने आई है कि एक कोरियर कंपनी से एक प्राइवेट गाड़ी में करीब 200 किलो चांदी बताई गई है, वो और 1 लाख रुपए लेकर के ये कोरियर कर्मी कंपनी के कर्मचारी जा रहे थे। यहाँ पर रास्ते में एक और गाड़ी में, जिसका कुछ नंबर बताया गया है, उसको वेरीफाई हम लोग कर रहे हैं, उस गाड़ी में 3-4 लोग थे। उन्होंने उस गाड़ी को रोक करके उसमें से वो चांदी अपनी गाड़ी में रखवा करके यहाँ से फरार हुए हैं। ये घटना करीब 40-45 मिनट पहले की है। पुलिस की कई सारी टीमें गठित करके इस घटना से संबंधित जितने भी पहलू हैं उनकी गहराई से छानबीन की जा रही है। बलिया का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो रहा है, जहां कोविड टीकाकरण करने गई टीम को देखकर डर से एक युवक पेड़ पर चढ़ गया, तो वहीं दूसरे व्यक्ति ने वैक्सीनेशन टीम के साथ घाघरा नदी के किनारे ही उठापटक कर दी। ये वीडियो रेवती ब्लॉक के अलग अलग गांवों का बताया जा रहा है। वहीं खंड विकास अधिकारी रेवती अतुल कुमार दुबे ने बताया कि पेड़ पर चढ़ा युवक रेवती क्षेत्र के हड़ीकाला का बताया जा रहा है, जो वैक्सीनेशन के डर से पेड़ पर चढ़ गया, जबकि दूसरा युवक इसी क्षेत्र का नाविक है, जो सरयू नदी में नाव चलाता है। मैनपुरी में चुनावी रंजिश अब खूनी संघर्ष का रूप लेती नजर आ रही है, जिसका जीता जागता उदाहरण मैनपुरी के थाना करहल क्षेत्र में देखने को मिला है। यहां का रहने वाला एक युवक गोली लगने और मारपीट के कारण आज जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा है। उसका और उसके परिजनों का आरोप है कि पहले से चली आ रही चुनावी रंजिश के चलते विरोधियों ने उनका ये हाल किया, जिसके बाद पुलिस ने संगीन धाराओं में मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। घटना हमारे भाई
भुजिया के पुल पे गई थी, वहाँ से रास्ता मतलब लोगों घेरे थे, तो उस रास्ता से होके जा रहे नगला बसू और नगला सुखी होके, तो बीच में उन लोगों ने जाके उन पर हमला करते हो जाएगा, उन्होंने फायर करी और मैंने डंडा लाठी जो मिलो से उन्हें मारो तोड़ फाड़ दो। हम लोग मतलब वहाँ स्तर पर जब पहुँचे तो वहाँ जनता बहुत 100-200 आदमी इकट्ठे थे, उन्होंने बचाया, फिर वहाँ पुलिस आ गई, फिर हम लोग थाने गए, थाने में जाएगा हमने अपनी यात्रा करी जाएगी। पापा मेरे साथ जा रहे थे, मेरे भाई के साथ, उन्हीं के साथ था, लेकिन पापा भाई ने मोटरसाइकिल नहीं रोकी है, दबंगों ने आके, चार लोग थे, चारों ने मोटरसाइकिल अपनी, एक मोटरसाइकिल पे आ रहे चारों लोग, उन्होंने अपनी मोटरसाइकिल आगे लगा दी है और भाई के हाथों में डंडे दिए। बाराबंकी जिले की नगर कोतवाली क्षेत्र में 7 दिन पहले हाईवे पर हुए लाखों रुपए की फर्जी लूट का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। लखनऊ जनपद के रहने वाले 2 सराफा व्यवसायियों ने बाराबंकी पुलिस को सूचना दी थी कि वह अयोध्या से आभूषण बेचकर अपनी कार से वापस लखनऊ आ रहे थे। इस दौरान नगर कोतवाली क्षेत्र के लखनऊ अयोध्या हाईवे पर 2 मोटरसाइकिल सवार बदमाशों ने उनसे सोने और नकदी से भरा बैग छीन लिया और फरार हो गए। बाराबंकी पुलिस ने घटना का जल्द खुलासा करने के लिए 3 टीमों का गठन किया था। पुलिस ने 7 दिन के अंदर इस फर्जी लूट कांड का खुलासा करते हुए फर्जी लूट की योजना बनाने वाले दोनों सर्राफा व्यवसायियों को गिरफ्तार कर लिया है। जी देखिए, जैसा आप जानते ही हैं कि 12 तारीख की सुबह में एक सूचना पुलिस को मिली थी, जिसमें कि एक लखनऊ के व्यापारी द्वारा लूट हो जाने की घटना की जानकारी पुलिस को दी थी, और पुलिस इस घटना के बाद तत्काल मौके पर पहुंची। घटनास्थल निरीक्षण सभी ऑफिसर्स द्वारा किया गया। इस घटना में जैसे बताया गया था कि हमने 5 टीमें गठित की थी और उन टीमों ने हमारे एडिशनल SP साहब और हमारे COCT के नेतृत्व में बहुत अच्छा काम किया है, हमारे SWAT प्रभारी और SHO नगर ने। और इस घटना का खुलासा इस प्रकार से हुआ है कि जो इस घटना के वादी समीर खान है, जो लखनऊ के एक व्यापारी भी हैं जो सोने का काम करते हैं, इन्होंने अपने साथी व्यापारियों के सोने और पैसे को गबन करने के उद्देश्य से, जिससे कि उनको पैसा ना देना पड़े, इन्होंने ये पूरी लूट की घटना प्लान की। और इनमें इसका साथी था अजीत यादव, जिनके माध्यम से इन्होंने इस पूरे सोने और कैश को गायब करवा दिया था। और ये लखनऊ से जब अयोध्या जाते थे तो उसी में इन्होंने घटना प्लान की, और इन्होंने अयोध्या से वापसी के समय अपने साथी अजीत को सारा माल ले जाके भेज दिया और इस पूरे सामान को छिपा दिया। पुलिस ने CCTV फुटेज, सर्विलांस और अन्य इंटरोगेशन के माध्यम से इस पूरी घटना का खुलासा किया है। राजधानी लखनऊ की सड़कों पर गैर जनपद बिना परमिट के ऑटो टेम्पो धड़ल्ले से दौड़ रहे हैं, इस पर यातायात पुलिस की मेहरबानी दिखाई दे रही है। दरअसल लखनऊ के कानपुर रोड, बाराबिरगा, रायबरेली रोड, तेलीबाग चौराहा, PGI की सड़कों पर डग्गा मार ऑटो टेम्पो की भरमार है। सूत्रों की माने तो तेलीबाग चौराहे पर तैनात यातायात पुलिस ऑटो टेम्पो से रोजाना रकम ऐंठती है। विधानसभा चुनाव नजदीक हैं, ऐसे में तरह तरह के प्रलोभन तमाम पार्टियां आम जन को दे रही हैं। इसी कड़ी में आप भी पीछे नहीं हैं। दूसरे दलों के द्वारा फ्री बिजली दिए जाने के बाद आम आदमी पार्टी UP प्रभारी सांसद संजय सिंह ने तंज कसते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश की जनता को 300 यूनिट फ्री बिजली, बकाया माफ किसानों की फ्री बिजली और 24 घंटे बिजली सिर्फ आम आदमी पार्टी ही दे सकती है। हमने दिल्ली में लोगों को फ्री बिजली उपलब्ध कराई है, जिनके आज भी 0 बिल आ रहे हैं। केजरीवाल की फ्री बिजली गारंटी से घबरा कर दूसरे राजनीतिक दल फ्री बिजली देने का वादा करके जनता को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी चुनाव के समय बिजली के आधे दाम कर चुनावी लाभ लेना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी ने यूपी विधानसभा चुनावों के लिए स्टार कैंपेनर्स की सूची जारी कर दी है। हालांकि सूची में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी का नाम नहीं है। इस लिस्ट में PM मोदी, BJP चीफ JP नड्डा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी समेत कई नेताओं के नाम हैं। BJP के स्टार प्रचारकों की यह सूची यूपी चुनाव के मद्देनजर पहले चरण में प्रचार के लिए तैयार की गई है। इसमें BJP यूपी चीफ स्वतंत्र देव सिंह, यूपी प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान, CM योगी, पूर्व केंद्रीय मंत्री राधा मोहन सिंह का भी नाम है। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य, डिप्टी CM दिनेश शर्मा, संजीव बालियान, जसवंत सहनी, सांसद हेमा मालिनी, अशोक कटियार, सुरेंद्र नागर, केंद्रीय मंत्री जनरल VK सिंह और चौधरी भूपेंद्र सिंह का नाम स्टार प्रचारकों की लिस्ट में शामिल है।
उत्तर प्रदेश में 2022 विधानसभा चुनाव नजदीक हैं और चुनाव को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने को लेकर चुनाव आयोग ने सख्त निर्देश दे रखे हैं। उसी कड़ी में सहारनपुर पुलिस ने आज बड़ी कामयाबी हासिल की। सहारनपुर की थाना कुतुब शेर पुलिस ने विधानसभा चुनाव में सप्लाई किए जाने वाले अवैध हथियारों को तैयार करने वाली फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। हथियार फैक्ट्री से भारी मात्रा में बने 11 और 15 अधमने अवैध शस्त्र और कारतूस बरामद किए गए हैं। वहीं पुलिस ने अवैध हथियार बनाने वाले 2 टॉप 10 अपराधियों मोहम्मद साजिद और आसिफ को भी मौके से गिरफ्तार किया है। थाना कुतुब शेर पुलिस ने एक बड़े देसी असले बनाने वाली फैक्ट्री की बरामदगी की है। 2 हिस्ट्री सीटर बदमाश पकड़े हैं जो असले बना रहे थे। इनकी जो गिरफ्तारी हुई है थाना कुतुब शेर क्षेत्र के एकता नगर कॉलोनी में एक बंद पड़े घर में, वहाँ पे असला फैक्ट्री चला रहे थे। भारी मात्रा में बने हुए असले मिले हैं। अगर देखेंगे तो 15 असले बने हुए हैं, तैयार हैं, एकदम काफ़ी भारी मात्रा में बने असले हैं। सामान मिला हुआ है, उपकरण मिला है। अगर इन सामानों को देख ले तो इससे 50 से 60 असले और अभी तैयार किए जा सकते थे। ये इसमें जो 3 अभियुक्त रहे हैं, तीनों थाना कुतुब शेर के हिस्ट्री सीटर अपराधी हैं। खबर औरैया जिले से है। यहाँ विधुना कोतवाली क्षेत्र के कस्बे में स्थित एक इंटर कॉलेज के प्रबंधक और उनकी पत्नी की अज्ञात बदमाशों के द्वारा घर में घुसकर निर्मम हत्या कर दी गई। इस क्षेत्र में हड़कंप मच गया। घटना का खुलासा तब हुआ जब प्रबंधक और उनकी पत्नी को स्थानीय लोगों के द्वारा सुबह नहीं देखा गया। लोगों ने घुसकर देखा जहाँ दोनों के शव पड़े हुए मिले। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने जाँच की है। वही दर्शकों, हमीरपुर में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी, जहां चेकिंग के दौरान 8 कुंतल अवैध गांजा जिसकी कीमत लगभग 80 लाख रुपए बताई जा रही है। वहीं पुलिस ने मौके से 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। 4 लोग मौके से फरार हो गए। एसपी ने इस मामले में पुलिस टीम को 25,000 का इनाम भी दिया है। आदर्श आचार संहिता के अनुपालन में बिवार थाना में चेकिंग के दौरान एक संदिग्ध ट्रक पकड़ा गया। उस ट्रक में कुल 8 क्विंटल गांजा जिसकी कीमत 80 लाख रुपए है और ट्रक जिसकी कीमत 50 लाख रुपए है, ये पकड़ा गया। ये बेसिकली रायपुर से ये ला रहे थे और महोबा ले जा रहे थे। चेकिंग के दौरान पकड़े गए। इसमें से 2 अभियुक्त दानिश और रईस खान मौके से गिरफ्तार हुए और 4 शिबू, फरीद, हारून और आरिफ, ये लोग, इनकी गिरफ्तारी शेष है। इस संबंध में ज्ञात हुआ कि ये बेसिकली मौदहा थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं और रायपुर में रह करके ये इस कारोबार को अंजाम देते हैं। वहां से ये विभिन्न जनपदों में भेजते हैं। वहीं सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव के चुनाव लड़ने की खबरों पर बीजेपी के प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने कहा कि अखिलेश हर काम में भाजपा की नकल करते हैं। योगी को चुनाव लड़ने के बाद उन पर भारी दबाव था, वह कहीं से भी चुनाव लड़ने, सपा की पराजय सुनिश्चित है, भाजपा सरकार बनाएगी और अखिलेश यादव ताली बजाएंगे। बड़ी देर कर दी हुजूर आते आते। अखिलेश यादव जी पर इतना दबाव था मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के चुनाव लड़ने की घोषणा के बाद उनकी पार्टी कार्यकर्ताओं में बड़ी निराशा थी और ऐसे में आप कार्यकर्ताओं के दबाव के बाद अखिलेश यादव जी नानुकुर करते हुए चुनाव लड़ने के लिए तैयार ही हो रहे हैं, लेकिन उनकी पराजय सुनिश्चित है। अखिलेश यादव जी अपने हर काम में भाजपा की नकल करते हैं। भाजपा जिस काम को कर लेती है अखिलेश यादव जी उसके पीछे पीछे चलते हैं। वो घोषणा पत्र को लेकर भी कह चुके हैं कि भाजपा के घोषणा पत्र जारी होने के बाद वो अपना घोषणा पत्र जारी करेंगे। अखिलेश यादव जी इस चुनाव में भी पीछे रहेंगे, हम सरकार बनाएंगे और वो ताली बजाएंगे। सहारनपुर के गंगोह थाना क्षेत्र के गांव लखनौती में 8 दिन पहले मुकीम का शव सड़क किनारे संदिग्ध परिस्थितियों में पड़ा मिला था। वहीं आज जिलाधिकारी के निर्देशानुसार मजिस्ट्रेट प्रवीण कुमार की मौजूदगी में शव को 8 दिन बाद कब्र से निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। दरअसल हुआ यूं कि आज से 8 दिन पूर्व गांव लखनौती निवासी मुकीम नामक युवक अपनी बाइक पर सवार होकर गंगोह पैसे लेने के लिए गया था, जिसका शव लखनौती पशु पैट के पास पड़ा मिला।
शव के पास से उसके भाई की बाइक भी बरामद हुई थी। परिजनों को लगा कि शायद मुकीम का एक्सीडेंट हो गया, जिस कारण से उसकी मौत हो गई। उसके बाद मुकीम के परिजनों को शक हुआ कि मुकीम की हत्या की गई है, जिसके बाद मुकीम के परिजनों ने सहारनपुर जिला प्रशासन से मुकीम के शव को कब्र से निकलवाकर मामले की जाँच शुरू करवाई है। कुछ दिन पहले यहाँ एक नाम है इनका मृतक मुकीम सनो अब्दुल रज्जाक की मृत्यु हुई थी। उसका जो है मृत्यु का सही कारण जानने के लिए इनके मोहम्मद पुत्र अब्दुल रज्जाक निवासी कुरेशियन इनके प्रश्न पत्र पर जिलाधिकारी महोदय के आदेश अनुसार हमारी टीम आई है। मैं प्रवीण कुमार शर्मा नायब तहसीलदार और इंस्पेक्टर साहब नामित किए गए हैं। इसमें कब्र को खुदवा करके और पंचनामा भरवा करके पोस्टमार्टम कराया जाएगा, जिससे मृत्यु का सही कारण जाना जाएगा। मामला ये है जी भाई, 5:30 बजे करीब भाई पर फ़ोन आया और वो घर से चला गया। जाने के बाद फिर वो क्या नाम गुंग गया, वहाँ से उन्होंने अपने पैसे लिए। अब घर वाले को तो ये पता है कि वो चला गया पैसे लेने के नाम का। कब की बात है ये? 8 तारीख की बात है। 8 तारीख की जी। तो जी फिर वो वहाँ से चला गया, तो जाने के बाद अब हमें तो ये पता वो पैसे लेने गया अपने, लेकिन वहाँ से फिर 8:30-8:30-9 के बीच में हमारे को सूचना आती है कि उसका मर्डर हो गया रोड पड़ा वहाँ से। तो जैसा यहाँ से घर से गए तो मौसम बहुत ख़राब था, तो उसे देखने जब गए तो वो रोड पड़ा था। सीतापुर के शहर के वीआईपी एरिया से कार चोरी की वारदात सामने आई है। बताया जा रहा है कि कोतवाली के 100 मीटर पर स्वास्थ्य कंप्यूटर के सामने से 2 युवक कार को लेकर फरार हो गए। ये पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। महिला का आरोप है कि थाने में उसकी एफआईआर नहीं लिखी गई। ये पूरा मामला शहर कोतवाली के सिविल लाइन का बताया जा रहा है। हम यही सिविल लाइन पे रहते हैं और गाड़ी हमारे उसी एरिया पे यहाँ पे खड़ी हुई थी, ये जो आपका लोडर दिख रहा है उसके जस्ट पास में ही खड़ी हुई थी, और ये स्वास्थ्य कंप्यूटर के जस्ट सामने की बात है, और ये आपकी संडे की रात की बात है। जैसा कि हमने सीसीटीवी कैमरे में देखा तो वो 10:52 पे गाड़ी जो है, दो लड़के आए हैं और दो लड़के आपका मतलब कि 5 मिनट उनको नहीं लगा और वो गाड़ी जो है वो इजिली अपना ले गए हैं निकाल के। मतलब आपको कैसे पता चला कि हमारी गाड़ी चोरी हुई? हम सुबह जब उठे तो हम यहाँ पे डस्ट से मतलब कि अपने कुत्ते को लेके आते हैं टहलाने के लिए, तो हमने देखा हमारी गाड़ी नहीं खड़ी है। तुम्हारे लिए बहुत शॉकिंग था, हमने आगे सिंडिकेट के देखा कि हो सकता है, बट हमें गाड़ी कहीं भी नहीं देखी। फिलहाल के लिए उत्तर प्रदेश के इस खास बुलेटिन में इतना। यहाँ बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ। शुक्रिया।